बिहार का छपरा शहर इस समय चर्चाओं में है। यहां पर आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसा देखी गई। इस चुनावी हिंसा में एक की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दो राजनीतिक दलों के बीच टकराव के बाद से छपरा में हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। माहौल को देखते हुए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हालत और तनाव को देखते हुए दो दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब बिगड़े माहौल को देखते हुए इंटरनेट बैन दो दिन और बढ़ा दिया गया है। सारण जिले में 25 मई तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रहेगी। वहीं छपरा में हुए मतदान के दौरान और उसके बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस ने आरजेडी और बीजेपी के 150 समर्थकों पर केस दर्ज किया है। गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी नेता रमाकांत सिंह और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को जेल भेज दिया गया है। गोलीबारी में आरजेडी समर्थक की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हुए थे। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई रोक 25 मई शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने पहले 23 मई तक ही इंटरनेट सेवा रोकने का निर्देश दिया था। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज सीट पर होने वाले चुनाव को देखते हुए अब इस रोक की अवधि को बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। बुधवार को जारी विभागीय आदेश के अनुसार सारण के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर रोक की अवधि बढ़ाई गई है। आशंका है कि महाराजगंज में होने वाले चुनाव में सारण के कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट के जरिए माहौल खराब कर सकते हैं। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर मंगलवार को हिंसक झड़प, फायरिंग और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से टाउन थाने में आरजेडी और बीजेपी के लगभग 150 अज्ञात समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सारण जिले के एसपी ने बताया है कि समझाने बुझाने के बाद भी इन लोगों ने ईंट, पत्थर और हथियार के साथ हंगामा किया और फायरिंग की। आपको बता दें कि बिहार के छपरा में हुए चुनावी हिंसा के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। नगर थाना में बीजेपी कार्यकर्ता ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रोहिणी पर बूथ पर हंगामा करने और मतदान प्रभावित करने का आरोप है। रोहिणी आचार्य सारण से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं। मनोज कुमार, जिन्हें बीजेपी समर्थक बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर फर्जी मतदान करने का दबाव बनाया। उनके साथ पूर्व एमएलसी भोला राय और 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रोहिणी आचार्य और आरजेडी समर्थकों ने गोलियां और जान से मारने की धमकी दी और एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसका इलाज पीएचसी में हुआ है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।